तहरीक-ए- आज़म एतमाद पर वज़ीर आज़म अपने इत्तेहादियों से मदद मांगने कराची में एम के एम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद पहुंचे। इस मौका पर एम के एम का कहना है कि ना कोई मुतालबा किया ना यकीन दहानी मांगी, तहरीक-ए- आज़म एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। इनका कहना था कि हुकूमत ने इत्तेहादी जरूर है मगर तमाम ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद आमिर खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुलाकात की सब बातें नहीं बता सकते, जो फैसले करेंगे अवाम के मुफाद में करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि अदम एतमाद को छोड़े हमें निजाम पर एतमाद नहीं, 9-0 हमारा ही है ही नहीं, इनसे क्या मांगे। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने मुल्क में जानवरों में लैम्पियस्कन बीमारी की तस्दीक कर दी। वज़ारत के मुताबिक अब तक बहावलपुर, कराची और हैदराबाद ठट्ठा के जानवरों में केसेस सामने आए हैं। ये वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होता। मुतासर मवेशियों का उबला हुआ दूध और अच्छी तरह पका हुआ गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए महफूज है। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का कहना है कि वैक्सीन दरामद करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए KNN News Live।